this. Okay. ये स्टेप जब मैं करता हूँ तो लोग बोलते हैं वल्गर है। कौन सा स्टेप? ये और जब सलमान करता है तो अच्छा क्यों लग रहा है? भास्कर, राइट? हाँ, और आप? मैं वही हूँ जिसे आप मिलने आए। पार्टनर फिल्म 20 जुलाई 2007 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में गोविंदा और सलमान खान की जोड़ी नजर आई और ये फिल्म बहुत ही बढ़िया बिजनेस कर ब्लॉकबस्टर साबित हो गई। गोविंदा और सलमान खान डेविड धवन के सबसे चहेते कलाकार है। डेविड धवन के डायरेक्शन में सलमान खान और गोविंदा की बहुत सी फिल्में सुपरहिट हुई है, इसलिए डेविड धवन चाहते थे कि सलमान खान और गोविंदा को एक साथ लेकर फिल्म बनाए और उन्होंने पार्टनर फिल्म बनाई। भास्कर मुझे माफ कर दे यार, ये क्या हो गया? कम से कम एक तो मौका दिया होता, मिलवाता तुझे प्रिया से। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू अचानक से उठेगा, मेरे गले लग जाएगा और मुझे माफ कर देगा। और दोस्तों, बॉलीवुड के जानकारों के हिसाब से कुछ खबरें आ रही है कि अब पार्टनर 2 भी बन सकती है, जिसमें सलमान खान और गोविंदा तो होंगे ही, लेकिन इस फिल्म में डेविड धवन के बेटे वरुण धवन भी आपको नजर आएंगे, जो कि लारा दत्ता और सलमान खान के बेटे की भूमिका में नजर आ सकते हैं। और वरुण धवन के अपोजिट में जो एक्ट्रेस रहने वाली है वो आलिया भट्ट हो सकती है। तो दोस्तों, आपने कुछ सालों में देखा था कि गोविंदा का कैरियर पूरी ही तरह से खत्म हो चुका था, लेकिन गोविंदा के कैरियर को एक नई शुरुआत मिलने की संभावना नजर आ रही है। तो भैया, किस आदमी का साथ दे दिया आपने? गोविंदा का? मुझे एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, रात में 1:05 के ऊपर पार्टी में वो शराब पी आए और उन्होंने मुझसे कहा कि गोविंदा जी, आपके साथ में मैंने और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने मिलके इस तरह के आपके साथ घातपात की है। मैं कहा, मुझे विश्वास नहीं है, आप निकलिए। वो पूछने लगे कि मैं कह रहा हूँ और आप विश्वास नहीं कर रहे हो। मैं कहा, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि इस तरह के आडंबर और एक दूसरे में उलझा देने वाले लोग मैंने बहुत देखे हैं शहर में। मैं किसी के कहे में आता नहीं हूँ कभी, मैं हार्डवर्क करता हूँ और हार्डवर्क करता रहूँगा, वर्षानुवर्ष से करता आया हूँ। मेरा यह सोचना है कि जिसे जो भाषा इस्तेमाल करनी है, जो अपने आप को बहुत भाषावादी समझने लग गया है, कोई देखे या ना देखे, अल्लाह देख रहा है, उसे यह समझ में आए उसकी भाषा के अंदर वो क्या कह रहा है, उसकी भाषा के बीच में वो क्या कह रहा है। लोग सब समझते हैं, ऊपर वाला है देखने के लिए। मेरा यह सोचना है कि मंच तो प्रदान करें, कट्स की तो जगह देखी ही नहीं गई, कहां देख रहे हैं आप? जिसे जो भाषा इस्तेमाल करनी है, आज जो मंच पे आए, अरे जिसकी जरा भी मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको ये पता ही नहीं कि वो भाषा क्या कर रहा है, वो जो आता है वो मोबाइल के माध्यम से जो कहना चाहता है वो कह देता है। किसी नेता की परवाह कहाँ करता है वो, कहाँ करता है वो किसी नेता की, जब उसे देने के कहने का मौका दिया जा रहा है फिल्म लाइन के अंदर। यार ये क्या लगा रखा है, ये डरा ही रहे हैं इनडायरेक्टली, दिस इज ये डरा रहे हैं। और मुझे तो इसलिए कभी ये सब फालतू चीजों का मुझे भाई इसलिए नहीं लगता कि मुझ पे कृपा रही है, ऊपर वाले ने कर्म तो किया हुआ है। इस फिल्म में गोविंदा और सलमान खान दोनों भी पिता की भूमिका में नजर आएंगे। तो दोस्तों, गोविंदा का सब्र आखिर काम आया और पार्टनर 2 में दमदार भूमिका में नजर आने वाले हैं गोविंदा। बताया जा रहा है कि फिल्म की स्टोरी दिलीप कुमार राजकुमार की सौदागर और जितेंद्र शत्रुघ्न सिन्हा की खुदगर्ज फिल्म से प्रेरित होंगी, लेकिन पार्टनर 2 फिल्म फुल कॉमेडी में नजर आएंगी। तो अब देखना यह है कि इस फिल्म की शूटिंग कब शुरू होने वाली है, और जब भी इस फिल्म की शूटिंग शुरू होगी हम आपको उसकी न्यूज़ जरूर देंगे। तो देखते रहिए दोस्तों आइजा एंटरटेनमेंट 786, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पार्टनर 2 फिल्म बनना चाहिए या नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।